अच्छा हुआ हम पहुंच गए। होटल ट्रांसिल्वेनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इंसानों से दूर 1898 से आज तक यहाँ आप सुरक्षित हैं। येलो टूर प्रोग्राम मैंने आप सबके लिए शानदार इवेंट डिजाइन किए हैं और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कल रात होने वाले मेरी बेटी के ग्रैंड बर्थडे पार्टी में। हम हर साल यहाँ आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हम यहाँ सुरक्षित भी हैं। जानता हूँ यही तो हमारी खासियत है। यस गुड इवनिंग। ओह थैंक यू माँ जी, तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? सर सर एक अर्जेंट प्लम्बिंग प्रॉब्लम हुई है। प्लम्बिंग? फिर से नहीं मिस्टर गोलिगन। रूम 348 के टॉयलेट का फ्लश बिगड़ गया है। कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे मिस्टर बिगफुट। ए बच्चों, तुम यहाँ मस्ती नहीं कर सकते, जरा संभल कर। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करते, ये मेरा होटल है, तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं। सॉरी अंकल जैक। हे जैक, हम आ गए। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमसे मिलने का मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुम्हारी फैमिली प्लानिंग तो कमाल की है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। हाउसकीपिंग। मेरे दोस्त कहाँ थे यार, अभी भी मेले से आ रहे हो, कंजूस कहीं के? बात पैसे की नहीं है, तुम जानते हो मुझे प्लेन से डर लगता है। प्लेन के इंजन को आग लग गई तो? आग? हमें पता है पता है, तुम्हें आग पसंद है। अगस्टस ऑरेंज हेड, आओ, ये फ्रैंकस्टाइन का सर लगता है क्या तुम्हें? सुनो राइट, तुम्हारे केप को क्या हुआ है? क्या हुआ? आओ, किसने छुट्टी काटी मुझे? मैंने काटी, दिल है कि मानता ही नहीं। हाँ हाँ पता है, इनविजिबल मैन, हेलो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये बहुत पुराना जोक है। तुमने मिस किया। ओके ओके, मिस किया, मिस किया। जीत गए, जरा ये पकड़ोगे? लेकिन ये तुम मुझे क्यों? कोई बचाओ मुझे, मदद करो। हेलो मारे, कैसे हो दोस्त? इतनी धूल मिट्टी मारे, कितनी बार कहा है नहा कर आया करो। वोल्फी, वांडा, फ्रैंक, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारे बिना पार्टी कैसे हो सकती है? दुबले हो गए, तुम्हारी बाकी बॉडी कहाँ है? ठीक है, तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और सुनाओ ड्रैग, वैसे तुम्हारा होटल शानदार है। दोस्तों अब मजा देखना। बाय द वे, तुमने एकदम सही बता दिया था। हाँ ठीक है ठीक है, मैं नाइल नदी से होकर वाया टिग्रिस यहाँ आया और जरा भी ट्रैफिक नहीं मिला मुझे। तुम मजाक कर रहे हो, ये सब कौन साफ करेगा? कसम से मेरे दोस्त, मैंने तो सदियों से कुछ खाया ही नहीं। हाउसकीपिंग। यकीन मानो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ। हम तैयार हैं। काश मार्था ये देखने के लिए जिंदा होती, वो हमेशा हमारे साथ है वांडा। तो दोस्तों मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम सब फिर से एक बार मेरी बेटी मेविस का बर्थडे मनाने आए हो और साथ ही साथ इस जश्न में भी आप सब शामिल होंगे हमारे जश्न में, जो है इनसे आजादी। हमारे लोगों ने जान पर खेलकर ये तस्वीरें ली हैं, वो और मोटे बन रहे हैं ताकि हमें कुचल सके, और आजकल वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं ताकि तेजी से हमारा दम घोट सके या हमारा सर फोड़कर उसमें कैदी भर सके, लेकिन वो यहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकते। जानी दुश्मन, तुम हमें कभी नहीं हरा पाओगे। ओकी डोकी, तो पार्टी आधे घंटे में शुरू होगी, मैं देखता हूँ कि मेविस रेडी हुई है या नहीं। अब वो बच्ची नहीं रही ड्रैक। हाँ वो है। बुकिंग किया नहीं और आज के लंच का ऑर्डर दे दिया है ना, ये सब काम पूरे हुए या नहीं? You're welcome. मुझे एक बार बाहर आने दो।
राज, आपने कहा था कि मैं 118 की होने के बाद इस होटल के बाहर जा सकती हूँ, जैसे हमारे गेस्ट भी जाते हैं। लेकिन बेटा बाहर बहुत खतरा है। ब्ले ब्ले ब्ले। लेकिन डैड, 30 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था, हम तंदूरी खा रहे थे और मुझे याद है आपने मुझसे ये बात कही थी। डिस्टर्ब मत करो, 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 डिस्टर्ब मत करो। गुड मॉर्निंग मेरे आका। ओए, ये रूम साफ कर दो। ओ, तो तुम हो, अच्छा हुआ तुम्हें याद तो आई। क्या वो तैयार है? हाँ, वो कब की उठ गई है, वो बिल्कुल रेडी है, लेकिन नीचे आने के लिए नहीं, बाहर की दुनिया देखने के लिए। अब तुम क्या करोगे, खम्बा उखाड़ के? हाँ? मैं देख लूंगा, प्लीज रिलैक्स, तुम सब अपना मुंह बंद करो। गुड मॉर्निंग मेरी बेबी, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेटी। थैंक यू डैड, मुझे पता है आज मेरा बर्थडे है। पार्टी की सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन पहले हम दोनों जाकर कुछ केचुए पकड़ते हैं, सिर्फ पापा और बेटी। डैड, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती हो, ठीक है। हाँ, मैं जानती थी आप मुझसे यही कहेंगे, लेकिन डैड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, और आपको ये पता है कि मैं जानती हूँ कि ड्रैकुलास अपने वादे से कभी नहीं करते। मैंने कहा तुम जा सकती हो। आप मुझे उल्लू बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अब तुम अकेली गाड़ी चला सकती हो, अब तुम अपने फैसले खुद लेने लायक बन गई हो, तो तुम जा सकती हो। आप अच्छे डैड हो, आप अच्छे डैड हो। जाओ मेविस, तुम कहाँ जा रही हो? ओ, मैं पैराडाइज जा रही हूँ, और इस बैग में मेरा सामान है। पैराडाइज? हाँ, पैराडाइज। मैं जानती हूँ आप और मॉम भी वहीं मिले थे, वांडा आंटी ने कहा था कि आप दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? ये आपकी अलमारी में था, आपने कभी बताया नहीं आप मॉम से कैसे मिले। हम पहली बार हाईवे पर मिले थे। क्या कहा, हाईवे? देखो, मैं जानता हूँ बेटा तुम बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन यहाँ हर कोई तुमसे मिलने बहुत दूर से आया है। मैं जानती हूँ, वो हमेशा आते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता मैं इन पार्टीज के लिए बड़ी हो गई हूँ? मुझे वो सब पसंद है, लेकिन मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, अपनी उम्र के लोगों से मिलना चाहती हूँ। देखो 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 बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते, देखो ऐसी शक्ल मत बनाओ, देखो बस देखो, अगर तुम जाना ही चाहती हो बेटा, तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सेमेट्री है, तुम वहाँ जाकर घूम कर आ सकती हो, लेकिन ज्यादा देर मत रहना, ठीक है? आज के लिए घूमना इतना काफी है बेटा। ठीक है, ये पैराडाइज तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। ओके ओके ओके। आपको बुरा तो नहीं लगेगा डैड? ओ जरूर मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें अपनी जबान दी है। कितनी बड़ी हो गई हो। दोस्तों, क्या तुम कल के लिए एक्साइटेड हो? कल का नहीं पता, पर मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि डैड ह्यूमन विलेज देखने मुझे अकेले भेज रहे हैं। क्या कहा? लेकिन ये तो ड्रैक, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अपनी बेटी को उन खतरनाक लोगों के पास भेज रहे हो जिनसे दूर रहना चाहिए, इसीलिए तुमने ये होटल बनाया। हाँ, वो नफरत करते हैं, खतरनाक है, और वो बहुत शोर मचाते हैं। आंटी यूनुस, शायद वो बदल गए हों, मैं बस उड़कर वहाँ जाऊंगी और आ जाऊंगी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, गर्म कपड़े और तलवार लेकर जाना, नुकीली चीजों से बच कर रहना, और किसी को तुम्हारे नजदीक भी मत आने देना। तुम दूर से ही उन्हें देखना, वही दूर रहकर देखने में उन्हें ज्यादा मजा आता है। एक मिनट दोस्तों, ये अपना ख्याल रख सकती है, ये एक ड्रैकुला है, लेकिन फिर भी आग से बच के रहना, आग खतरनाक है। बाय दोस्तों।